हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में प्रकरण श्रृंखला परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो आइए शीट क्रमांक 001/23 के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही हम शीट 001/23 को भी देखते हैं। श्रृंखला परीक्षण, बच्चों ये जो दो शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें जो श्रृंखला है इसको इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो शाब्दिक अर्थ इसका यह है कि आकृतियों को क्रमबद्ध रूप से सजाना। तो इस टॉपिक पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट यह होगा जो जिसमें प्रश्न आकृतियां होंगी और दूसरा पार्ट होगा जिसमें उत्तर आकृतियां होंगी। प्रश्न आकृतियों में 3 से लेकर 5 तक आकृतियां आपको मिलेंगी और उन आकृतियों में कुछ क्रमबद्धता के हिसाब से नियमानुसार कुछ परिवर्तन होगा और उसके आगे का क्रम क्या होगा, उस नियम को फॉलो करते हुए आगे कौन सी आकृति बनेगी वह आपको उत्तर आकृति से ढूंढ कर निकालनी है। तब यह जो आकृतियों को क्रमबद्ध रूप से जो आप सजाएंगे उसे वही आपका श्रृंखला परीक्षण कहलाता है। आकृतियों को क्रमबद्ध रूप से सजाने के लिए हमें इन 8 दिशाओं को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए, आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसका रिविजन कर लेते हैं। अगर इस ब्लैक बोर्ड को आपके क्वेश्चन पेपर का पन्ना या आपकी कॉपी का पन्ना अगर माना जाए तो ये दिशाएं जो हैं वह कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये जो दाहिना हिस्सा है आपका पन्ने के, कॉपी के पन्ने का जो दाहिना हिस्सा है, ये जो सीधा जा रहा है ये पूर्व दिशा है, ईस्ट। इसके बाद जो नीचे का हिस्सा है ये है साउथ, दक्षिण। ये बाएं का हिस्सा आपका वेस्ट होगा जो कि पश्चिम है, और जो ऊपर का हिस्सा होगा वह होगा नॉर्थ, उत्तर। और इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो आपको पता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व। ये ईस्ट और साउथ के बीच का जो हिस्सा है वो साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व। और साउथ और वेस्ट का जो ये आपका जा रहा है ये साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम। और नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, उत्तर पश्चिम। तो आकृतियों को समझने के लिए हमें अपने कॉपी पे जो आकृति मिलेगी उनकी दिशाओं का ज्ञान हम इस मैप से कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। आइए तत्वों की दिशात्मक गति को जानते हैं। जो तत्वों की जो आकृतियां आप लोगों को मिलेंगी उसमें जैसे दिशात्मक परिवर्तन भी होता है, तो वह परिवर्तन जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह देखिए, जब आकृति जैसे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये डायरेक्शन है, और यहाँ ये देखिए आकृति जो है ऐसे चेंज हो रही है, ये ऐसे जा रही है यहाँ से, फिर ये ऐसे, एरो का आप निशान देखिए ये, फिर नीचे और फिर ये। मतलब अगर आकृति आपकी क्लॉकवाइज मीन्स जो सुई की घड़ी की घूमने की दिशा है, अगर उस दिशा में आकृति अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है तो वह आपका दक्षिणावर्त कहलाता है। आप फिर इस रूल को फॉलो करते हुए उस आकृति पैटर्न को, उस सीरीज को आप आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये जो है ये देखिए ये डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे करके ये जब इस तरीके से जा रहा है तो यह घड़ी की, यहाँ पे देखिए ये एरो के निशान देखिए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि जो घड़ी की घूमने की दिशा है उससे जस्ट ऑपोजिट, उल्टी दिशा। तो उल्टी दिशा में जब यह होगा, जब आकृति अपना चेंज करेगी, आपको सीरीज को फॉलो करना है तो वह आप वामाव्रत को फॉलो करेंगे तब आप इस श्रृंखला परीक्षण की सीरीज को पूरा कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम श्रृंखलाओं के प्रकार पर आते हैं। तो जो पहला प्रकार है हमारा, उसमें बच्चों आपको जो आकृतियां मिलेंगी उन आकृतियों के तत्वों के बीच कुछ संबंध होगा, उसमें चेंजेस आप उनके तत्वों को देखते हुए करेंगे, ठीक है। तो इसे आइए एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे ये, हाँ एक एग्जांपल देखिए, ये पैटर्न आपको, ये प्रश्न आकृति है
तीन आकृतियां जो आपको मिल रही हैं ये प्रश्न आकृति है और इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। आप यहाँ देखिए, ये एरो यहाँ ऊपर की तरफ है और ये जो सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल के अंदर दो डॉट है, दो ही है, सर्कल चार हिस्से में बटा है लेकिन दो डॉट्स हैं जो इस तरफ है। ये आकृति ए हो गई। बी में चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। बी में आप देखिए यहाँ पे एरो का डायरेक्शन नीचे हो गया है और जो ये सर्कल है इसके जो डॉट्स इस तरीके से थे अब वो ऑपोजिट में आ गए हैं, मतलब ये सेम नहीं है, यहाँ पे सर्कल के डॉट्स भी बदल गए हैं। ठीक इसी तरीके से ये बी आकृति हो गई और जब हम सी पे जाते हैं तो सी पे फिर एरो चेंज हुआ है, ऊपर की तरह शो कर रहा है और यहाँ पे डॉट्स जो ए में था, जिस ए तरीके ए वाला मतलब सेम जो ए वाला पैटर्न है वो आपको सी में दिखाई दे रहा है। तो जब और यहाँ पे उत्तर आकृति आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जब ये ए वाला पैटर्न ही सी में दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली बी वाला पैटर्न हमें डी में दिखाई देना चाहिए। तो जो बी वाला पैटर्न है वही हमारा आंसर होगा, वो हमें बस देखना है कि यह उत्तर आकृति में किस आकृति में मिल रहा है। एरो का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए और ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल में डॉट्स हमारे इस तरीके से होने चाहिए, ये वाले। तो ये आपको आकृति बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा उत्तर जो होगा वह होगा श्रृंखलाओं के प्रकार में हमारा जो दूसरा प्रकार है उसमें है तत्वों की अनुवृत्ति। तत्वों की अनुवृत्ति का ये मतलब है कि आपको जो भी आकृतियां मिलेंगी प्रश्न आकृतियां, आप उसमें देखेंगे कि जो इसके तत्व हैं वो इनमें वृद्धि हो रही है, एक पैटर्न फॉलो करते हुए यह जो इसके अंदर का जो तत्व है वह ए में देखिए इस तरीके से है, बी में ऐसा हो गया, सी में ऐसा हो, मतलब इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो इस प्रकार में आपको जो भी आकृति मिलेगी उनके तत्व, आकृतियों के जो तत्व है उनमें आपको अनुवृत्ति देखने को मिलेगी और जब इस पैटर्न को आप फॉलो करते हुए आंसर में जब ढूंढेंगे तो वही आपका इस परीक्षण में जो श्रृंखला परीक्षण है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ए में इस तरीके की आकृति है जो बी में जाकर के सेम यही चीज यहाँ भी बना हुआ है, मतलब ये दो लाइन ऑलरेडी था और इसके बी में दो लाइन भी बढ़ा है, जबकि सी में हम जब आते हैं तो ये दो लाइन पहले से बी में था, ये दो लाइन है और लेकिन सी में एक ही लाइन बढ़ा है। तो मतलब कि ये जो तत्वों की अनुवृत्ति हो रही है तो पहले दो लाइन बढ़ रहा है और तीसरे में एक लाइन बढ़ रहा है। अब यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए ये सी तक यहाँ तक है और यहाँ पे देखिए फिर से दो लाइन बढ़ गया है। तो जो हमारा आंसर होगा इसके बाद का जो पैटर्न होगा, चूंकि दो लाइन बढ़ चुकी है तो अब ये आकृति का जो अगला पैटर्न होगा, इस श्रृंखला का जो अगला पैटर्न होगा उसमें एक लाइन बढ़ेगी। तो हमें आंसर में देखना है कि एक लाइन कहाँ पे बढ़ा हुआ। ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ तक दो लाइन बढ़ी हुई है और जब एक लाइन बढ़ेगी तो ये ऐसे इस टाइप का होगा, तो मतलब ये आकृति जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी जो कि हमें बी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा आंसर होगा। आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इन्हें हल करने का सफल प्रयास करें और अगले शीट में इसका आंसर मिलान करके देखें कि आपने सही हल किया है। धन्यवाद।